during this module we will be looking at importance of apa code of ethics with regard to research and publication one of an important concept and aspect of research and publication is related to informed consent we really need to carefully weigh that in which circumstances we are going to use informed consent and how in certain circumstances we need to be very careful that if we are going to use informed consent, maybe it will overall reune the purpose of the research. And on the other hand, if we are not going to use the informed consent, it may be considered very unethical. So let us review that in, what, in which circumstances we need to give the informed consent to the participants and in which circumstances we are not supposed to give that to the participants. Like informed consent for recording voices and images in research is one scenario. Psychologists obtain informed consent from participants prior to recording their voices or their images. for data collection. As a journal rule, they are supposed to do that, unless research design includes deception. And as a students of psychology, you are well aware of the fact that what is deception? बाई नाओ वी हैव बिन टॉकिंग अलॉट अबाउट डिसेप्टिव टेक्निकट्स इम्पॉर्टेंस और स्पेसिफिकली डिसप्शन की केस में हम इंफॉर्म कंसेंट को इसलिए यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज उसमें हमने पार्टिसिपेंट्स को एक ऐसा सनारियो दिया है जिसमें हम उनका ट्रू बिहेवियर देखना चाहते हैं और अगर हम उन्हें पहले से इन्फॉर्म कंसेंट दे देंगे तो वो ऑल्टरिस्टिक बिहेवियर शो करेंगे जिसकी वजह से हमारी उस रिसर्च का जो वेरी मच परपज़ है वही uh, हम फुलफिल नहीं कर सकेंगे और वो रियून हो जाएगा देन कंसेंट फॉर द यूज ऑफ रिकॉर्डिंग इज ऑबटेन ड्यूरिंग डी ब्रीफिंग सो वो सब सनारियोज जिसमें हमने कंसेंट फॉर्म प्रायर टू द बिगनिंग ऑफ रिसर्च नहीं लिया उसमें हमने डीप ब्रीफिंग की स्टेज के ऊपर उन्हें यह बताना है कि अब आप हमें अपना इनफॉर्म कंसेंट देंगे कि हमने आपकी इन वॉइस को आपके इन इमेज को आपके इन बिहेवियर्स को आइधर ऑब्जर्व किया है या आइधर हमने इनको रिकॉर्ड किया है दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च विच वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट दे आर द क्लासिकल वन दे आर मॉडर्न इन नेचर बट दिस इज़ वेरी मच ट्रू कि अगर हम डिसेप्टिव टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमने ये इंश्योर करना है कि पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर नेचुरल हो वो अपनी आ, फुल ज़ील के साथ परफॉर्म कर सकें उनको ये फ़ियर ना हो कि उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है और उनको हम ऑब्ज़र्व करें और उसकी बेसिस के ऊपर हम उनकी पर्सनालिटी के हवाले से कुछ कंक्लूड करें बिकॉज अगर ये इमेज जाएगा तो उसकी वजह से हम जिस भी बिहेवियर की असेसमेंट कर रहे हैं वो हम ट्रूली नहीं कर सकेंगे द रिसर्च कंसिस्ट सोलली ऑफ नैचुर नेचुरलिस्टिक ऑब्जरवेशन इन पब्लिक प्लेस एंड इट्स नॉट एंटिस डेट द रिकॉर्डिंग विल बी यूज इन अ मैनर डैट गुड कॉज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और हॉम अब आप देखें कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसके अंदर हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं अब नैचुरल ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे फनोमनाज हो सकते हैं फॉर इंस्टेंस हम एक ओपन पब्लिक प्लेस के अंदर डिफरेंट कैमराज जो ऑलरेडी लगे हुए हैं Uh, और हमने उसमें इंफॉर्म uh, कंसेंट नहीं लिया हुआ लोगों से लेकिन उनके थ्रू हम जनरल uh, पब्लिक की कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड करें दैट कुड बी मे बी द हेल्पिंग बिहेवियर्स ऑफ अदर इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यानी हम एक सीन सेट करते हैं जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है एक ओल्ड एज पर्सन जो है वो जा रहा है और वो uh, जानबूझ के गिर जाता है अब ये स्टेज किया गया है और अब हम देख रहे हैं कि उसको हेल्प करने के लिए कौन से लोग आते हैं जो उसके इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं अब उन लोगों को ये नहीं पता कि ये सेटअप किया गया है ये स्टेज किया गया है ये डिसेप्शन की गई है और हम लोगों का हेल्पिंग बिहेवियर देख रहे हैं टूवर्ड्स दिस फिना लेकिन हम रिकॉर्डिंग में ये देख रहे हैं कि सबसे पहले मे भी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आ जाता है फिर कोई ख़ातून आ जाती हैं फिर कोई दो नौजवान आ जाते हैं और वो उसको हेल्प कर रहे हैं और हम इस सीन को डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर रिपीट करके देखते हैं एंड वी कंक्लूड कि ऐसी सिचुएशन में कितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी जब हर तरह के लोगों की हमारे सराउंडिंग्स में है तो कौन से लोग सबसे पहले जो है वो अपना हेल्पिंग बिहेवियर शो करते हैं टूवर्ड्स एन एल्डरली पर्सन राइट सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जहाँ कोई हार्म नहीं हम किसी को दे रहे जहाँ उस बच्चे को उस नौजवान को उस खातून को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका ये बिहेवियर एक इंडिविजुअल बिहेवियर के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर इंफॉर्म कंसेंट का ना लेना किसी भी तरह का हार्म कंसिडर नहीं होगा इसी तरह गवर्नमेंट जब बहुत सारी जगहों पर सेफ्टी पर्पजेस के लिए वॉइज़ uh, या इमेज़स को रिकॉर्ड करी होती है फॉर इंस्टेंस वो ट्रैफिक के चलान के लिए हैं फॉर इंस्टेंस वो क्राइम रेट को रोकने के लिए हैं तो वहाँ पर भी इंफॉम कंसेंट की जरूरत नहीं होती बल्कि एक जनरल इंफॉर्मेशन लोगों के पास होती है कि दिज प्लेसिस एंड दिज वॉइस कैन बी रिकॉर्डेड एंड ऑब्जर्व जैसे बहुत सारा टेलीफोनिक डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा होता है एंड पीपल नो दैट दिस इज बींग रिकॉर्डेड देन डिस्पेंसिंग विद इनफॉर्म कंसेंट फॉर रिसर्च सो दे आर दर्टन सरकमस्टांसिस इन विच द साइकोलॉजिस्ट आर रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस द इनफॉर्म कंसेंट बिकॉज इफ परमिटेड बाई लॉफ फेडरल और इंस्टीट्यूशनल रेगोलेशन दे कैन ओनली कंडक्ट द रिसर्च अगर हमें इजाज़त मिलेगी उस लॉ से उस अथॉरटी से जहाँ के ऊपर हम जाकर रिसर्च करना चाह रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन से उस ऑर्गनाइजेशन से और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेटअप्स में जहाँ पर कोई भी अथॉरिटी फिगर मौजूद है उससे इन्फॉर्म कंसेंट लिए बगैर हम वो रिसर्च नहीं कर सकते सर्च कुड नॉट रीजनेबली बी बीज्यूम टू क्रिएट डिस्ट्रेस एंड हार्म एंड इनवॉल्व स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिस क्यूरिकुला और क्लास मैनेजमेंट फॉर इंस्टेंस आप स्कूल में जाकर रिसर्च करें तो एडमिनिस्ट्रेशन से आपने उसकी परमिशन ली तो वो क्या देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये रिसर्च आपके बच्चों को साइकोलॉजिकली अपसेट तो नहीं करी कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी किस्म का कोई डिस्ट्रेस तो नहीं क्रिएट करी अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो दे विल अलाउ यू

इसी तरह आप अनॉनिमस सर्वेज हैं अगर आ, तो वहाँ पर भी आप सर्टन हद तक कर सकते हैं आ, वैसे हम रिक्वायर करते हैं कि उसमें भी हम इंफॉर्म कंसेंट दें लेकिन इट्स इफ़ इट्स इट इज़ ऑल टुगेदर अनॉनिमस जैसे आपने एक लिंक किसी को वेब पे सेंड किया उसमें आपकी कोई नाम आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्म कंसेंट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज नो वन कैन एक्सेस कि वो डाटा किसकी तरफ से आया है एंड देन आर रिसर्च जिसमें हम डिफरेंट तरह के आर्काइव्स जो हैं Uh, उनको uh, हम अपने स्टडी सोर्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इनफॉर्म कंसेंट हम पार्टिसिपेंट से नहीं लेंगे क्योंकि तो वो आर्काइव्स में जो चीज़ पड़ी हुई है उस पर सबकी एक्सेस है और वो एक डाटा जो है वो हमारे रिकॉर्ड का रिसर्च का हिस्सा है तो उससे हम फर्दर इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर सकते हैं द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स रिलेटेड टू जॉब और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस कंडक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग फॉर विच देर इज़ नो रिस्क टू पार्टिसिपेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी And confidentiality is protected. Whenever we are going to conduct research in any organization, this is very much important to ensure that uh, the confidentiality, the job employability, and job satisfaction, and all other factors which is related to that organization should be protected. If we ask participants questions, जो उनके वर्क प्लेस इशूज़ को एक्सप्लोर कर रहे हों और उसमें उनके मैनेजमेंट के इशूज़ भी आ रहे हों उसके अंदर हम इस तरह की चीज़ें पूछ रही हों जो उनके डिस्ट्रेस को रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ और उसमें हमने मैनेजमेंट uh, से इनफॉर्म कंसेंट नहीं लिया हुआ तो डेट वुड बी कंसिडर्ड हाईली अनएथिकल सो दीज आर इन विच वी आर लुकिंग दैट वेयर टू डिस्पेंस द इनफॉर्म कंसेंट एंड इन सर्टन सिचुएशन वेयर द Informed consent cannot be given, yet the research could be conducted.